टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी और सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज थी। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू वेपर्स और गैसियस फॉर्म। हीट ऑफ वेपराइजेशन वो अमाउंट है हीट की जो किसी भी सब्सटेंस के मास को, जो कि लिक्विड स्टेट में है, कन्वर्ट करे गैसियस स्टेट में। लाइक इफ वी हैव वाटर इन लिक्विड स्टेट, हम इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, और इस हीट को यूज़ करते हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एज वी नो दैट हीट वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड। इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होती है पर ग्राम वाटर, जो 1 ग्राम वाटर को कन्वर्ट कर दे लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। सपोज वी हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर एंड दिस इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। हम इसको कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है, यही 1 ग्राम कन्वर्ट हो जाता है अब वेपर स्टेट में। फॉर वाटर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 574 कैलोरीज पर ग्राम। इट मीन्स दैट 574 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर टू बी वेपराइज्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम इसकी रीज़न देखेंगे कि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों ज़्यादा है। अगर हम वेपराइजेशन का थोड़ा सा फिनोमिना चेक करें तो इसमें यह होता है कि आपके पास जो भी लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मौजूद होते हैं उनकी हीट, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स जो बॉटम पे हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, दे हैव मच मोर एबिलिटी टू मूव, तो इससे क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप करने लग जाएंगे और वाटर स्टेट से कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर स्टेट में। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर वेपराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में, वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ हीट, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो यूज होता है टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यूज होती है टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर, लिक्विड वाटर का, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जब हम लिक्विड वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, तो वो कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो बाकी जो एनर्जी होगी, हीट होगी, वो यूज होगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स की। और जब काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी तो सरफेस पे मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहां से वेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कैसे?
देखें, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हार्श होगा तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। अब जब हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, तो इनमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स में मौजूद, एज यू नो दैट 70% 65 to 89% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, तो वो वाटर जो है वो वहाँ से वेपोरेट होने की कोशिश करेगा, उसकी एनर्जी, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अब वो वहाँ से जब वेपोरेट होगा तो इससे ऑर्गेनिजम्स को, अगर वाटर की हीटो वेपोरेशन कम होगी तो थोड़ी सी एनर्जी को यूज़ करके ही वाटर जो है वो वेपोरेट हो सकता था, लेकिन वाटर की हीटो वेपोरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो है वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने में लग जाएगी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी वाटर की हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कोहेयन एंड इडेयन। कोहेयन एंड इडेयन, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगी कोहेयन के बारे में। कोहेयन बेसिकली वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वाटर वाटर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। और कोहेयन जो है, अगर हम इसके रीजन देखें तो इसके रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रूट कॉज ऑफ कोहेयन। लेट्स सी, आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और सेकंड वाटर मॉलिक्यूल है। एज यू कैन सी दैट कि वाटर मॉलिक्यूल एक पार्शियल, इसमें पार्शियल चार्जेस जो हैं वो डेवलप होते हैं, मींस इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट हैज पार्शियल पॉजिटिव एज वेल एज पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव एंड्स ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव जो एंड है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड इज हाइड्रोजन, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड जो है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ अगर हम इम्पोर्टेंस लिखे वाटर की विद रिस्पेक्ट टू कोहेयन, तो ये हेल्प करती है ट्रांसपरेशन में। कोहेयन हेल्प्स इन ट्रांसपरेशन बाय फॉर्मिंग वाटर कॉलम इन जाइलम वेसल्स। बेसिकली इस तरह होता है कि जब वाटर जो है वो रूट्स, हेयर्स के थ्रू रूट्स में और रूट से नेक्स्ट फर्दर पाथवे से मूव करके जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है और वहां से आगे लीव्स तक पहुंचता है, तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक कॉलम वहां पे बनता है दैट इज कॉल्ड वाटर कॉलम, और ये हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडहेशन। एडहेयन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू लिंक विद अदर मॉलिक्यूल्स। अदर मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली एक्सेप्ट वाटर, एक्सेप्ट वाटर एंड अदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो प्रॉपर्टी एडहेयन जो है वो हेल्प करती है, ये भी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, इसकी भी रूट कॉज हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एडहेयन हेल्प्स वाटर टू एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम टू सर्कुलेट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डिवेलप हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इस तरह दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वाटर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर जो है वो दूसरी प्रॉपर्टीज रखने के साथ साथ प्रोटेक्शन इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, लाइक वी हैव वाटर अराउंड आवर आईलिड्स, तो यहाँ पे जो वाटर होता है टीयर्स की फॉर्म में हमारे आईज में वाटर मौजूद होता है, और ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द आईलिड्स एंड द आई बॉल, जिसकी वजह से आईज जो है उनके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता और देखने की जो सलाहियत है वो भी ठीक रहती है। अगर यहाँ पे वाटर मौजूद ना हो तो यू कैन इमेजिन दैट कि फ्रिक्शन जो है वो आईलिड और आई बॉल के दरमियान बहुत ज़्यादा होगी, जिससे सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी वाटर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है. हमारा ब्रेन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें भी पानी मौजूद होता है. और ये क्या करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जोल्स एंड बम्प्स. वाटर एक्ट्स एज कुशन फ्लूइड फॉर इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स. और ये प्रॉपर्टी वाटर को, वाटर किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट एक्ट्स एज लुब्रिकेटिंग मटीरियल. ये लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन. आयनाइजेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट इट टू इनटू आयंस. तो वाटर जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट आर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. और अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस के. और आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है ये बेसिकली, वाटर जो है वो आयनाइज हो जाता है अपने आयंस में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस में. और ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर हम देखें इसकी इम्पोर्टेंस, आयनाइजेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, आयंस. और ये आयंस मेजरली जो हाइड्रोजन आयन है ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द पीएच, टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द पीएच वेयर एवर इट्स नीड अराइजेस. तो इट हेल्प्स इन पीएच मेंटेनेंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है, रिडक्शन इन कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज. इसको डिस्कस करने से पहले आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज. हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स, फिल मीन्स होता है लव और अट्रैक्शन. इट मीन्स हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं दैट हैव अट्रैक्शन फॉर वाटर. एंड मोस्ट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज, क्योंकि आपको पता है कि वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है. तो हाइड्रोफोबिक फिलिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर के लिए अट्रैक्शन रखते हैं. नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोब मीन्स होता है फोबिक, बेसिकली एक रूट वर्ड है दैट मीन्स हेट, टू हेट समवन. हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अट्रैक्ट वाटर, दैट डोंट हैव एनी अफिनिटी फॉर वाटर. ये वाटर में सॉलेबल भी नहीं होते, वाटर को अट्रैक्ट भी नहीं करते, दे डोंट फॉर्म बॉन्ड्स विद वाटर. यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के बारे में. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ऑयल लेते हैं और उसको वाटर में मिक्स करते हैं, तो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं, और वहाँ पे आके एक, अगर वो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म है तो वो एक बड़ा सब मिलके एक सेंट्रल लार्ज जो है वो ड्रॉप बना लेते हैं. मतलब वो खुद आपस में मिल जाते हैं और वाटर में मिसिबल नहीं होते. इसकी वजह ये है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑयल, ऑयल पोलर नहीं है, वाटर पोलर है. और सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोलर नॉन पोलर में सॉलिबल नहीं होता. इस वजह से जो ऑयल है वो वाटर में मिसिबल नहीं होता, बल्कि उसकी सरफेस पे रहता है. और ऑयल ड्रॉपलेट्स सेपरेट नहीं रहते, वो आपस में मिलके एक लार्ज ड्रॉप बना देते हैं सेंटर में. तो बेसिकली क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी लिक्विड में, जैसे सपोज वाटर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सब मिलके, क्योंकि वो सारे नॉन पोलर हैं, वो आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, और इस तरह रिडक्शन हो जाएगी कॉन्टैक्ट एरिया की वाटर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के दरमियान. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस. हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ये हेल्प करती है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ
लिपिड बायलेयर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अकॉर्डिंग टू फ्लड मोज़ेक मॉडल, फ्लड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो लिपिड की बायलेयर होती है उसमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटैक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं और दरमियान में स्पेस पे जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। तो बेसिकली वो इंटीग्रिटी किस वजह से है, वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।